गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम मैट्रिक्स मेथड स्टडी करेंगे आज। मैट्रिक्स मेथड का यूज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी किया है, बट दैट वॉज डन विथ डिफरेंट मेथड्स। इस क्लास के अंदर हम मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। देखिए, या तो किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है, या उसका यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट वेरिएशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। जिन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन हो या जिनका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो, उनको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। उनको क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। एंड जिन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, उनको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो यहां दोनों ही कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के ऊपर काम करेंगे। अब देखिए, मैट्रिक्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के। इफ a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोफिशियंट्स के एक मैट्रिक्स बनाए, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री। एंड एक मैट्रिक्स वेरिएबल्स की, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म्स डी वन डी टू डी थ्री। अब देखिए, थ्री बाय थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स है, थ्री बाय वन ऑर्डर मैट्रिक्स है, दिस इज थ्री बाय वन ऑर्डर। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 बाई 1 मैट्रिक्स आएगी, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे तो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रिप्रोड्यूस हो जाए। इट मींस मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। अगर इसको ए मैट्रिक्स लें, दिस इज एक्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, एंड दिस इज इक्वल टू बी। एक्स इज लीनियर इक्वेशन जो कि मैट्रिक्स के अंदर है, मैट्रिसेस में है, इसका सॉल्यूशन है। एक्स निकालने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ए को एलिमिनेट करना है। एंड ए का एलिमिनेशन, इसको ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ए इनवर्स इनटू बी। ध्यान रहे, यहां पर प्री मल्टीप्लीकेशन है, प्री मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि मैट्रिसेस के मल्टीप्लीकेशन में प्री और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। रियल नंबर में तो हम टू उधर से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहां प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन का ध्यान रखना होता है, क्योंकि मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कॉमोडेटिव नहीं होता, लेकिन एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव होता है, इसको लिखा जा सकता है ए इनवर्स ए इनटू एक्स मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी, दिस इज आई मैट्रिक्स, आई मैट्रिक्स का एक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी मैट्रिक्स। तो अब इसका सॉल्यूशन
देखिए ए इनवर्स, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, ये मैट्रिक्स एक यूनिक है। एंड बी इज गिवन मैट्रिक्स, ये अपने आप में यूनिक होगी। दो यूनिक मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो यूनिक आएगा, एक्स जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी यूनिक सॉल्यूशन, दैट विल बी यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए सबसे अहम चीज है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर, डिटरमिनेंट ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये चीजें क्लियर होगी, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब मैट्रिक्स नॉट सिंगुलर होगी या उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए, अगर डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, देयर इज यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन। इफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो देन दो केस अराइज होते हैं। अब देखिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या था, ए एक्स इज इक्वल टू बी था, इसको हम दोनों तरफ एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दें, एडजॉइंट ए इंटू ए एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट एडजॉइंट ए इंटू बी मैट्रिक्स, दिस इज डिटरमिनेंट ए इंटू आई इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू बी मैट्रिक्स, दिस इज डिटरमिनेंट ए इंटू एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट एडजॉइंट ए इंटू बी मैट्रिक्स। अब ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू अगर जीरो है, इसके बाद हम देखते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। एडजॉइंट डिटरमिनेंट ए जीरो मींस लेफ्ट हैंड मैट्रिक्स जीरो हो जाएगी, नल मैट्रिक्स हो जाएगी, एंड ये जीरो के इक्वल है। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो है देन लेफ्ट हैंड भी जीरो हो गया, राइट हैंड भी जीरो हो गया, देर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो लेफ्ट हैंड नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है एंड दैट कैनॉट बी इक्वल टू नॉन नल मैट्रिक्स, नॉन नल मैट्रिक्स। तो इस केस के अंदर, इस केस के अंदर देर इज नो सॉल्यूशन, देर इज नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, दिस इज इनकंसिस्टेंट। अगर डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो है उसके बाद हम देखते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी क्या आया, अगर वो जीरो आता है तो इट मीन्स देर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आता है तो इट मीन्स दैट इज इनकंसिस्टेंट, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। तो देखिए, अब एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेकर के आगे चेक करते हैं उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर एंड एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री। देखिए इसका सॉल्यूशन निकलता है, क्या निकल के आता है वो देखते हैं। मैट्रिक्स ए, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वन टू, दिस इज वन थ्री, दिस इज वन थ्री इंटू एक्स मैट्रिक्स, एक्स दिस इज एक्स मैट्रिक्स, वाई इज इक्वल टू फोर थ्री। यहां पर दिस इज ए मैट्रिक्स, दिस इज एक्स मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। अब यहां पर देखिए इसको चेक करेंगे, डिटरमिनेंट ए क्या है, दिस इज थ्री माइनस टू, दिस इज इक्वल टू वन, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा,
exist. This implies there will be a unique solution. तो यूनिक सॉल्यूशन वो होगा क्या? यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू क्या होगा? a इनवर्स इनटू b होगा. a इनवर्स किसके इक्वल होता है? a इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 एडजॉइंट ऑफ a. 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसके कोफैक्टर निकाल के करेंगे. a11 दिस इज 3, a12 दिस इज इक्वल टू -1, a21 दिस इज इक्वल टू a21 -2, a22 क्या हुआ? दिस इज 1. तो एडजॉइंट ऑफ a दिस इज इक्वल टू 3 -1 एंड -2 1. कोफैक्टर निकालते हैं, एलिमेंट की जगह रखेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे. दिस इज द मैट्रिक्स 3 -1 -2 और 1. सिंपली 2 by 2 ऑर्डर की होती है, डायरेक्ट डायगनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं. दिस इज क्या है? 3 और 1, और नॉन डायगनल को माइनस लगा देते हैं. 2 - 1 इंटू ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास? बी क्या है आपके पास? 4 और 3. दिस इज मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 12 - 6, दिस इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वल टू 6 एंड -4 + 1 - 1, देन एक्स इज इक्वल टू 6 एंड वाई इज इक्वल टू -1. एक्स इज इक्वल टू 6, y is equal to -1. अब इतनी कैलकुलेशन के अंदर कहीं गलती भी हो सकती है. यू कैन चेक बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशंस. देखिए, x is equal to 6, y is equal to -1, 4 आएगा. x is equal to 6, y is equal to -1, 3 आएगा. आपका सॉल्यूशन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. इसी तरह से और एग्जांपल लीजिए 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का. 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं. जैसे देखिए, ये कहिए आपको फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस. दिस इज 1, एक है आपके पास 1 - 1 2 2 0 - 3, दिस इज 3 - 2 एंड 2 इनटू सेकंड मैट्रिक्स इधर का -2 0 1, दिस इज 9 2 3, दिस इज 6 1 - 2. ये फाइंड आउट करना है एंड सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन में रखा है. x - y + 2z = 1, 2y - 3z = 1, 3x - 2y + 4z = 2. इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है. पहले तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालना है. मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट यही कर देते हैं. दिस इज ए मैट्रिक्स ले लो, दिस इज बी. ए बी इज इक्वल टू क्या? ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज -2 - 11 एंड +12, दिस इज 1. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 - 2 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दिस इज 1 - 3 - 3 - 4, दिस इज 1 - 3 एंड दिस इज -4. कितना हो गया? 1 - 3 - 4. ये तो गलत दे रखा है. दिस इज -3 1 - 3, ये जो चीज है ये -3 दे रखा है. दिस इज -3.
लाइन टू माइनस थ्री, देखिए दिस इज वन प्लस थ्री माइनस फोर, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो 18 माइनस 18 जीरो, दिस इज सेकंड रो सेकंड कॉलम जीरो 4 माइनस 3 1, सेकंड रो थर्ड कॉलम जीरो माइनस 6 माइनस 6 प्लस 6 जीरो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 6 माइनस 18 माइनस 6 माइनस 18 माइनस 6 माइनस 18 और प्लस 12, ये भी ठीक नहीं लग रहा, दिस इज माइनस 2 एंड माइनस 2, 3 2 माइनस 2, 3 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 2, दिस इज 2 9, दिस इज माइनस 18, ये माइनस का लग रहा है, ये चीज माइनस की, दिस इज 0, 2 minus 3, 3 minus 2 and 4. This is 4. This is 4. अब करेंगे 3 minus 6 minus 18 minus 24 plus 24. This is 0, 0 and 1. Unit matrix के इक्वल, this implies इस matrix का इनवर्स ये होगा. A inverse is equal to क्या है? A inverse is equal to B. एंड गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, दिस इज वन माइनस वन टू टू सॉरी दिस इज जीरो टू माइनस थ्री थ्री माइनस टू एंड फोर, दिस इज इनटू एक्स वाई जेड, दिस इज इक्वल टू वन वन टू, ऐसे लिखा जा सकता है. अब देखिए इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसके इनवर्स की जरूरत पड़ेगी, दोनों तरफ इसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका सॉल्यूशन आएगा. दिस इज कौन सी मैट्रिक्स है, दिस इज ए मैट्रिक्स, ये ए इनटू एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी ले लो, तो एक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ए देखिए इनवर्स एक्जिस्ट कर रहा है तो डिटरमिनेंट ऑब्वियसली नॉन जीरो है, दिस इज क्या है 1 8 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस होगा 1 1 0 और 9 0 9 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 9 माइनस 12, दिस इज माइनस 1, कितना आ गया दिस इज माइनस 1. वैसे डिटरमिनेंट चेक किया दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जरूरत नहीं थी वैसे. एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ए इनवर्स इनटू सी मैट्रिक्स होगा, ए इनवर्स आपके पास क्या है ए इनवर्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना था आई के इक्वल था, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है आई के इक्वल, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दिस इज बी मैट्रिक्स, ए इनवर्स की जगह रख देंगे माइनस टू जीरो वन, दिस इज नाइन टू माइनस थ्री एंड दिस इज 6 1 माइनस 2 इंटू सी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स दिस इज 1 1 2, मल्टीप्लाई कीजिए दिस इज माइनस 2 0 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0 9 प्लस 2 माइनस 6, 9 प्लस 2 11 11 माइनस 6 5 एंड 6 प्लस 1 7 माइनस 4 थी है. तो यहां पर x मैट्रिक्स क्या आ गया आपके पास, x मैट्रिक्स यानी कि x y z है, दिस इज इक्वल टू 0 0 5 और 3, x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 5 है, z इज इक्वल टू 3 है. इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, हो सकता है यहां पर क्या होता इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता तो आप उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन सा. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू दिस इज वन 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 टू माइनस थ्री टू वन टू माइनस वन थ्री माइनस प्लस का नोट करते हुए ध्यान रखना कभी गलती करो. देन सॉल्व एक्स प्लस टू वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू जीरो एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू नाइन एंड एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू माइनस फोर्टी. सॉल्व करिए इसको. पहले आपको ए इनवर्स निकालना. फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सॉल्व दिस इक्वेशन. एंड हेंस सॉल्व दिस इक्वेशन मींस इसका इनवर्स निकालेंगे. अब उसी की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे. तो पहले इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है इसके लिए क्या देखेंगे आप? इसके लिए देखेंगे इसका डिटरमिनेंट जीरो है या नहीं है. डिटरमिनेंट ए निकालिए. डिटरमिनेंट ए वन इंटू सिक्स माइनस थ्री सिक्स माइनस थ्री माइनस वन इंटू थ्री प्लस सिक्स एंड प्लस वन इंटू माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव दिस इज इक्वल टू थ्री माइनस नाइन एंड माइनस फाइव दिस इज इक्वल टू माइनस इलेवन दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो. दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अब इसको ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? वन वन टू वन टू माइनस वन वन माइनस थ्री थ्री इंटू मैट्रिक्स एक्स दिस इज एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस इज जीरो नाइन माइनस फोर्टी जीरो फोर्टी. अब ये देखिए ये मैट्रिक्स अगर बी ले लें एंड ये एक्स इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स ले लें एक्स इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स ये डिटरमिनेंट मिटा रहा उसका निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट. अब देखिए बी मैट्रिक्स यहां से कंपेयर कीजिए ए मैट्रिक्स का इनवर्स है. बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है. ए का ट्रांसपोज है जिसका डिटरमिनेंट क्या था? डिटरमिनेंट इज इक्वल टू माइनस वन. इसका इनवर्स निकालिए. इसके लिए हमें कोफैक्टर चाहिए ए वन वन. ए वन वन क्या आएगा? सिक्स दिस इज थ्री. ए वन टू क्या आएगा? देखिए ए वन टू दिस इज माइनस नाइन. ए वन थ्री दिस इज माइनस फाइव एंड ए टू वन माइनस फोर ए टू टू दिस इज वन ए टू थ्री दिस इज थ्री ए थ्री वन दिस इज माइनस फाइव ए थ्री टू दिस इज फोर ए थ्री थ्री दिस इज इक्वल टू वन दिस इज इक्वल टू वन. कोफैक्टर आप निकाल सकते हैं. ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा? दिस इज वन अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू वन बाई माइनस इलेवन इंटू इस इन एलिमेंट्स किसमें इनके कोफैक्टर रखेंगे उसका ट्रांसपोज करेंगे. दिस इज क्या है? थ्री माइनस नाइन माइनस फाइव और दिस इज माइनस फोर वन थ्री एंड माइनस फाइव फोर और वन इसका ट्रांसपोज. दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाई इलेवन ये क्या है? दिस इज थ्री माइनस नाइन माइनस फाइव माइनस फोर माइनस फाइव दिस इज वन थ्री फोर एंड वन. अब दिस इज ए इनवर्स. बी मैट्रिक्स किसके इक्वल है? बी इज इक्वल टू ए के ट्रांसपोज के इक्वल है. ए ये मैट्रिक्स लिया है तो बी इनवर्स किसके इक्वल होगा? बी इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स एंड ए ट्रांसपोज का इनवर्स होता है ए इनवर्स का ट्रांसपोज. सेम है ये प्रॉपर्टी करवाई थी आपको. ये प्रॉपर्टी आपको करवाई थी क्या?
आपको ये पता है कि a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई के इक्वल होता है एंड इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, दोनों तरफ ट्रांसपोज करेंगे a की साइड में करते हैं आपको रिमाइंड हो जाएगा a इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई ट्रांसपोज, a इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल है तो इसका इनवर्स ये है, यानी कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज है। ये चीज आपको बता रखी है, ये इस्तेमाल कर रहे हैं, बी आपका ए ट्रांसपोज के इक्वल है, बी इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो यहां पर एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी इनवर्स इंटू सी, दिस इज क्या आएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए इनवर्स का ट्रांसपोज माइनस वन बाई इलेवन, ए मैट्रिक्स थी आपकी, ए मैट्रिक्स है आपकी ए इनवर्स मैट्रिक्स, दिस इज थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस नाइन वन फोर माइनस फाइव थ्री और वन, इसका ट्रांसपोज इंटू सी मैट्रिक्स क्या है जीरो नाइन माइनस फोर्टी, इसको सॉल्व करिए, दिस इज एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक्स मैट्रिक्स क्या है एक्स मैट्रिक्स माइनस वन बाई इलेवन तो बाहर है मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज जीरो माइनस छत्तीस प्लस सत्तर माइनस दिस इज थ्री बी मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू नाइन, यहां पर दिस इज द मैट्रिक्स माइनस नाइन दिस इज माइनस नाइन दिस इज माइनस नाइन क्या आ जाएगा दिस इज माइनस नाइन तो यहां पर क्या आएगा दिस इज नाइन सॉरी दिस इज माइनस फाइव ट्रांसपोज नहीं किया दिस इज माइनस सॉरी क्या था यहां पर माइनस फोर माइनस फोर। अब इसका ट्रांसपोज करिए ट्रांसपोज करेंगे क्या आएगा थ्री माइनस नाइन माइनस फाइव और दिस इज माइनस फोर दिस इज माइनस फोर माइनस फाइव दिस इज वन एंड फोर थ्री और वन इंटू मैट्रिक्स दिस इज जीरो नाइन फोर्टीन माइनस फोर्टीन क्या हो जाएगा माइनस वन बाई इलेवन ये आ जाएंगे आपके जीरो माइनस एट्टी वन और प्लस सेवेंटी दिस इज माइनस इलेवन माइनस दिस इज जीरो नाइन और फोर्टीन माइनस थर्टी थ्री एंड दिस इज जीरो थर्टी सिक्स माइनस फोर्टीन थर्टी सिक्स ट्वेंटी टू तो दिस इज इक्वल टू माइनस इलेवन से डिवाइड करें तो वन थ्री एंड माइनस टू तो यहां पर सॉल्यूशन क्या है एक्स इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू थ्री जेड इज इक्वल टू माइनस टू कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।